Good morning everyone, this is Sarfaraz sir. We have completed our chapter cyber safety. Hope you have understood the things and you have completed your homework. If you have not send it on your class email ID. Now we are coming to the next chapter, a computer system. The system of the computer is known as computer system. ये एक ऐसा system होता है जिसमें जिससे मिलकर कंप्यूटर बना होता है. कंप्यूटर इज़ नॉट ओनली दिस मॉनिटर, दिस कीबोर्ड, दिस प्रोसेसर, बल्कि ये पूरा सिस्टम आपस में मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनाता है. कंप्यूटर एक सिंगल थिंग नहीं है, एक सिंगल डिवाइस नहीं है, बल्कि वो एक पूरा सिस्टम है. ठीक, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे स्कैनर लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ प्रिंटर लगा हुआ है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो सपोर्टिंग डिवाइसेस के फॉर्म में काम करते हैं. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो आजकल यू नो वेरी वेल के दीज आर वेरी कॉमन एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आर लाइफ. ठीक, बट दिस कंप्यूटर सिस्टम इज़ नॉट लिमिटेड ओनली इन द फॉर्म ऑफ डेस्कटॉप्स, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका कौन सा बन गया है, वो है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम. राइट, हम मोबाइल से वो सारे काम कर पा रहे हैं जो कंप्यूटर की हेल्प से करते थे. राइट, यही काम हम लैपटॉप से भी कर सकते हैं, ठीक, टैबलेट से भी कर सकते हैं. तो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम इज़ नॉट लिमिटेड towards the desktops. सिर्फ उतने तक ये limited नहीं रहा है, बल्कि ये हमारा ये computer system जो है वो हमारे mobile का भी part है. We are having mobile phones in our pockets. It means we are carrying the computers. ठीक है, इसमें VoIP दे रखा हुआ है, तो इसका meaning मैं आपको बता देता हूँ. This is voice over internet protocol. ठीक है, जिसकी इस प्रोटोकॉल की हेल्प से कम्युनिकेशन मीडियम में ट्रांसफ़र्स होते हैं. राइट, तो आज हम सारे काम अपने, जैसे हम लोग अपने वर्क कर पा रहे हैं मोबाइल की हेल्प से, आप भी ऑनलाइन कंटेंट्स मिल रहा है, तो वो भी मोबाइल फ़ोन के थ्रू मिल रहा है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ये सारा जो सिस्टम है वो भी कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि हम इंटरनेट को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, हम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट्स यूज़ कर पा रहे हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर पा रहे हैं. ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे. अब आप आज हमारी बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में. मैंने फिर आपको बताया कि कंप्यूटर मतलब डजंट मीन्स कि आप डेस्कटॉप को माइंड में ले लें, आपके माइंड में आपका मोबाइल फ़ोन भी आएगा, क्योंकि टुडे मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर रिसीविंग एंड मेकिंग कॉल्स. ठीक है, ये और भी बहुत सारे चीज़ों को परफॉर्म कर पा रहा है. मोबाइल फ़ोन्स आए, टॉर्च रिमूव हो गई, टॉर्च नहीं रखते लोग, कैलेंडर्स नहीं रखते, कैलकुलेटर्स नहीं रखते, घड़ियाँ रखना बंद हो गई. ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है जिसने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया है. तो इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब पहले आप समझ लें. जैसे एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, फिर आपकी मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कि किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हम रखते हैं, पोलाइट नेचर है हमारा या एग्रेसिव नेचर है, या किस तरीके की नेचर है, या हम किस तरीके का वर्क है. वो कहते हैं ना कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन की टेंडेंसी है, ये काम बहुत फास्ट करता है. ठीक है, तो वो एक उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया. ऐसे ही कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन, इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ रही है स्पीड. ठीक, तो स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट. अब स्पीड से क्या है, कोई भागने नहीं लगेगा ये. ठीक, स्पीड से इसमें मतलब है कि कितने फास्ट ये कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है. तो यू नो वेरी वेल कि आप कोई भी वर्क को इसमें परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई चीज़ कंपाइल करना चाहते हैं, तो वो ये नैनो सेकंड्स में परफॉर्म कर देता है. ठीक, इसके अंदर प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं, तो वो
उसी के हिसाब से इसकी स्पीड होती है। जैसे हम कहते हैं कि 4 GB रैम का हमारा मोबाइल फ़ोन से, तो जितनी ज़्यादा रैम होती है उतनी ही जल्दी हमारी डाउनलोडिंग अपलोडिंग ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो जाती हैं। तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड, जो कि बहुत फास्ट होती है, एक्यूरेसी। अगर आपने इनपुट करेक्ट दिया है तो आपको आउटपुट जो है वो करेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये होती है एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर। डेलिजेंस, डेलिजेंस का यहाँ पर मीनिंग होता है कि ये हार्ड वर्किंग होता है। अब कंप्यूटर हार्ड वर्किंग कैसे होगा, ठीक। कंप्यूटर्स में आप जितने भी वर्क परफॉर्म कराएंगे, जितनी देर तक भी कराएंगे, वो कंटिन्यूसली करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डिनाई कर देगा, और एक्यूरेसी के साथ में उन टास्क को परफॉर्म करेगा। ये इसका डेलिजेंस हो गया। वर्सेटाइलिटी, ये एक वर्सेटाइल है। जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन्स का बनाया कि वो टॉर्च की फॉर्म में भी काम कर रहा है, वो कैलेंडर की फॉर्म में भी काम कर रहा है, उसी तरीके से कंप्यूटर्स के थ्रू आप गाने प्ले कर रहे हैं, ठीक, तो वो आपके सिस्टम में आपके प्लेयर का भी काम कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर्स को मेडिकल साइंस में अलग अलग फॉर्म्स में काम करते हैं, के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ एक अलग तरीके से काम करता है। तो वर्सेटाइल है कंप्यूटर, अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर के थ्रू कैलकुलेशंस को हम रिलायबल मानते हैं, क्योंकि इसमें जो एरर्स होती हैं उसके होने के ना के बराबर चांस होते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम्स में ही कोई गलती है तो वो हमारी ही गलती है, तो प्रोग्राम्स में ही अगर गलती है तब कहीं जाके ये एरर हो सकती है, अदरवाइज़ ये रिलायबल होता है। ऑटोमेशन, ये चीज़ों को ऑटोमेट करता है। मतलब क्या है कि हमने कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको दे दिया, ये साइमल्टेनियसली अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता रहेगा। एक टास्क आपने परफॉर्म करने के लिए दे दिया, दूसरा परफॉर्म करने के लिए दे दिया, तीसरा परफॉर्म करने के लिए दे दिया। उसके बाद में बात आती है मेमोरी की, ठीक। मेमोरी जैसे आप लोग करते हैं कि हमने 10 GB का मेमोरी कार्ड पढ़वाया है, कोई कहते हैं कि इसमें 32 GB का मेमोरी कार्ड है हमारा, 64 GB का है, TB का है, टेराबाइट में मेमोरी कार्ड है, या इसकी इंटरनल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी इतनी है। तो ये सब इसकी मेमोरी है जिसमें जो कंप्यूटर्स की और मोबाइल फ़ोन्स की होती है, उसमें हम उतना ज़्यादा डेटा, वीडियो, पिक्चर्स वगैरह हम अपलोड कर सकते हैं, उसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी मेमोरी का पार्ट हो गया। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि ये कैरेक्टर्स होते हैं जो एक कंप्यूटर के या मोबाइल फ़ोन्स के हो सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट मीनिंग है कि वट एवर द इंस्ट्रक्शन वी आर गिविंग टू द कंप्यूटर, दैट इज़ इनपुट। वो हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक। लेकिन ये इनपुट दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करने के बाद दे सकते हैं, माउस की हेल्प से क्लिक करके दे सकते हैं, ट्रैक बॉल के थ्रू भी हम दे सकते हैं, जैसे गेम्स वगैरह खेल रहे हैं तो वो भी इंस्ट्रक्शंस हैं। स्कैनर हैं, हम कोई पिक्चर स्कैन करके उसके अंदर भेज रहे हैं। ग्राफिक पैड है जिसमें हम कुछ लिख रहे हैं और उसके अंदर टेक्स्ट चला जा रहा है, वो भी एक तरीके से इनपुट जा रहा है। वेबकैम हमारी पिक्चर्स को कैप्चरिंग कर रहा है। जॉयस्टिक्स के थ्रू भी गेम्स वगैरह खेले जाते हैं तो हम इंस्ट्रक्शंस ही दे रहे हैं। माइक्रोफोन अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसके अंदर भेज रहे हैं, और डिजिटल कैमरा के थ्रू पिक्चर्स को कैप्चर करके भेज रहे हैं। तो ये सारे इनपुट के तरीके हैं कि किसी भी तरीके से अगर इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर डेटा की फॉर्म में जा रहे हैं तो वो इनपुट हो रहे हैं, ठीक। अब हम आते हैं आउटपुट की तरफ। तो अब प्रोसेसिंग के बाद में जो रिज़ल्ट हमारा निकल के आता है, ठीक, वो अलग अलग मीडियम्स के थ्रू आता है, तो उसको हमें चाहिए आउटपुट डिवाइसेस के लिए। तो जो रिज़ल्ट आता है वो आउटपुट कहलाता है और आउटपुट डिवाइसेस पे आता है। जैसे पहले आता है मॉनिटर्स, तो अलग अलग टाइप के मॉनिटर्स होते हैं, TFT मॉनिटर्स हो सकते हैं, पहले CRT मॉनिटर्स चलते थे, LCD LED मॉनिटर्स आ रहे हैं, तो वो हमारे रिज़ल्ट की आउटपुट की फॉर्म में हमें दिखा रहे हैं, तो वो आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ठीक। प्रिंटर्स प्रिंट करने का काम करते हैं, हमारे पास हार्ड कॉपी में आता है, अगर स्क्रीन पे आता है तो वो सॉफ्ट कॉपी में होता है हमारे पास में जो आउटपुट है, और जो हमारे हाथ में निकल कर आ जाता है प्रिंट आउट की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर्स, वो हमारे हार्ड कॉपी होती है। ऐसे स्पीकर्स भी वो हमें आउटपुट दे सकते हैं, जो हम गाने वगैरह सुन रहे हैं वो आउटपुट की फॉर्म में। हेडफोन्स भी वही काम कर रहे हैं, स्पीकर्स वाला काम कर रहे हैं। साउंड कार्ड्स होते हैं, उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं, जिसके थ्रू हम उसमें
कोई भी चीज़ें रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं और फिर बाद में सुन सकते हैं। प्लॉटर्स, जो बड़े बड़े फ्लैक्स आजकल आप देखते हैं वो प्लॉटर की हेल्प से निकलते हैं, तो वो भी आउटपुट के फॉर्म है। प्रोजेक्टर्स आप देखते हैं कि जो मॉनिटर पे छोटी स्क्रीन पे आता है, प्रोजेक्टर्स जो है सिनेमा हॉल्स में और हमारे स्कूल्स में भी बड़े फॉर्म में पिक्चर्स को दिखाने का काम करते हैं, तो वो भी आउटपुट कर रहे हैं। तो जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेसर के थ्रू होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स, थैंक यू वेरी मच।